का ढूंढ रहा बाड़ू। बुआ माँ हमके फ्रेश होके के बा गेस्ट रूम कहाँ बा? चला हम दिखावत बानी तरह के, इस घर में तोहार सही जगह कहाँ बा दिखावत बानी। अब यह बा तोहार स्थान, तो ये घर में सिर्फ एगो मेहमान बाड़ू, ई बात हमेशा याद रखिया। और जब तक ये घर में बाड़ू इहे कमरा में रहो, हम मेहमान के औकात देख के ई कमरा चुन ले बानी। थैंक यू बुआ माँ, हम तो यहाँ अपन बीमार पति की सेवा करे उनकर देखभाल करे आयल बानी। आप जहाँ भी कहबू हम खुशी खुशी रह ले। और वैसे भी ई कमरा हमार मायका से भी अच्छा बा। वाकई आप अपन नौकर के भी बहुत अच्छा से ख्याल रखेनी, जैसे कि वो रिश्तेदार रखेला। ऐसे माँ के डांट और बर्ताव के बुरा माने लग गई तो रह लेनी अपनी सतरंगी ससुराल में। मस्तानी हम कबूस कहे जा आरुषि बेटा खाना ले आवा। आरुषि घर पे नहीं खे। क्या घर पे नहीं खे? कहाँ भी है हमरा के नहीं खे पता। पता नहीं खे वैसे तो बहुत खत रह लू कि हम सौतेली नहीं थी हम होकर माँ बानी। अरे भी नहीं क्यों पता कहाँ गिल गया और उठा और पता कर कहाँ गिल गया। हम बता बता नहीं बेटा। गेस्ट रूम कैसन लागल? बहुत सुंदर। हमके पता रहे तो का अच्छा लगी। वो पूरा रूम हम खुद बनवैले बानी, वहां के हर चीज हमरा चॉइस के हा। बेड कर्टेंस सोफा और बड़ बड़ पिलोस दीवार के रंग भी हमरा चॉइस के हा। सॉरी विहान हम तहरा से झूठ बोलत बानी, लेकिन हम ना चाहत बानी ई वक्त तहरा के और तकलीफ होखे। तू बस जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जा। आरुषि ई पिंक साड़ी में बहुत खूबसूरत लगा तारू, ई रंग बहुत जचेला तहरा पे बाना। हमार ताई सास के चॉइस बा, वो गिफ्ट कहले बानी और भी बहुत साड़ी देले बानी। पता बा एक बाना बहुत अच्छा बा बनारसी सिल्क ओ मॉव कलर के बा और पिंक बॉर्डर, और दूसरा बजे फूशिया पिंक बा और ब्लू बॉर्डर, बहुत अच्छा। ओके 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 आरुषि, ना तो हमके मोफिया समझ में आवेला और ना ही मोफिया ना मोव। ओके ओके आई एम सॉरी, ना तो हमके मोव समझ में आवेला और ना ही उशिया। टू लेडीज के ना यह प्रॉब्लम होखेला, सिंपल चीज कितना कॉम्प्लिकेट कर देवे लू, का जरूरत बा डिटेल्स में जाए के। इट्स सिंपल कर देला ना, टिपिकल पति वाला बात। हम के लागल तू थोड़ा अलग होगा पर तू भी नॉर्मल पति निकलला। सही कहनी ना हम देखला। अच्छा अच्छा माफ कर दा बाबा, माफ कर दा, आई एम सॉरी। अब आरुषि बहुत भूख लागत बा, कुछ खाए के मिली? अरे वाह ये तो बहुत अच्छा साइन बा, रिकवरी साइन बा। अच्छा मैडम आप इनका खातिर वेजिटेबल सूप बना दी। बस अभी आई नहीं।
अरुचि का भैया अरुचि का का कह ली दादी माँ बोला ना अरुचि दादी माँ का कह ली बोरिया बिस्तर बांधे खातिर कहले हो किए और का जा सामान ले आ ना आरुषि तू बोलत का है नहीं खू बोला ना दादी माँ का कह ली हमके तारा मुँह से सुने के बा दादी माँ हमके घर में रहे के इजाजत दे देले बानी का साचो में हम अभी दादी माँ के थैंक यू बोल क्या बता रही मेहान एक मिनट इकने कहे पे विश्वास मत करा हम कुछ छिपा नहीं बात करे खातिर कुछ बा नर्मदा आरुषि सच बोल रहा भैया थैंक यू दादी माँ जी अतरा आप आज के दिन हमरा खातिर खुद बड़ बना देनी अब जा अपन कमरा में और आरुषि के भी साथ ले जा केहू ना रही सर्विस क्वार्टर्स में का हमने पहले मंदिर जा सके नी आज हमके हमार दादी सास से आशीर्वाद मिलल बा उहे मंदिर जाए चाहत बनी जहां दादी माँ से पहले मिलल रहनी दादी माँ हम आरुषि के मंदिर ले जाएं हाँ हाँ जरूर लेकिन मनोहर के साथ ले जाइए हाँ। अभी भी बीमारी से उठल पड़ा ना तू लाख धन्यवाद भगवान जी हम जानत रही माँ जे भी फैसला ली ही सही ली ही खुश ना अरे सर जी आई आई भाभी जी आप बैठी सारथी मंदिर जाए के बा चलिए सर जी अरे अरे तू रह दा सारथी हमने दोनों आ जाई लावा चाबी तो ना सर जी दादी माँ मना के लिए बड़ी आपके किले छोड़े के अभी अभी से तभी ठीक बैलवा आपके चली बैठी हम मंदिर लेके जाए अल्लाह के छोड़ भी दे सारथी माँ लोग के बतावे के कौनो जरूरत थी ना बा लावा चाबी हम चाबी ना दे से किला साथ साथ माँ लोग के जूता ना खाप सर जी चली बैठी अरे समझल कर यार बीवी के साथ अकेल जाए के बा लाना यार चाबी चाबी ना दे से किला सर जी आप बिल्कुल ना बिल्कुल ना अरे गड़बड़ हो गई यार पीछे के टायर तो पंचर बा अरे सुबह तो हवा डाल ली हम सर जी अरे देखा था नहीं अरे सुबह ही ठीक करी नहीं सर जी अरे ई वाला ना वो साइड वाला वहां जाके देखा था नहीं आप बैठे हम देखा था हाँ बिहार अरे सर जी अरे सर जी आज फिर पप्पू बना दे सर जी माँ हमने की आपसे कुछ बात करे के बा जानत बानी तू सबके मन में का सवाल बा माँ इतना बड़ फैसला आप अकेले कैसे ले लेनी कल तक आप उ लड़की के बहू ना बनावे चाहत रहनी आज जब हम सब आपके साथ खड़ा बानी ता आप उ लड़की के घर में रह के इजाजत दे देनी
माई विहान के जिंदगी के सवाल बा। आपन बात कहे से पहले सामने वाले के दलील भी सुनब सीखा। जिंदगी में हर इंसान के आपन बात साबित करे के एगो मौका जरूर मिले के चाहिए, जे तू लोगन के भी मिलल। यही खातिर उलेकी के हम एगो मौका दे ले बानी कि वो साबित करे कि वो हमरे घर के लायक बिया कि ना। माँ आप देख चुकल बानी कि हमने कितना परेशानी से गुजरल बानी, कितना परेशान कैलस की लड़की। आप चाहत बानी कि विहान के दिल टूट जाए। एकर नौबत ही ना आई, मौका सिर्फ 6 महीना खातिर बा। ना माई गलत बा, आप हमनी सब के साथ गलत कर रहल बानी। माँ हम तो कहत बानी क्या हम एकर बारे में कुछ और बहस ना करे चाहत बानी। हम उलेकी के 6 महीना दे ले बानी कि वो घर वालन के दिल जीते, साथ में साबित करे खातिर कि वो हमरे घर के बहू बने के काबिल बिया। उही तरह तोहरे पास भी 6 महीना बा। 6 महीना में अगर तू उ लड़की के एक घर से निकाले चाहत पाड़ू तो कोशिश करा। इट्स ओके, सॉरी बोले के जरूरत नहीं थे। हेलो, हम कोनो सॉरी बोले वाला भी न रहनी। कमाल बा, सॉरी बोली। फिर कहा हम सॉरी काहे बोलब। हम सिर्फ इतना क्लियर करे चाहता नहीं कि तहारी 6 महीना वाला शर्त मंजूर नहीं खे। दैट सिंपल इज दैट। विहान आरुषि, तू जाने ला हम दादी माँ के। अरे वचन देले बालू तो तोड़ दा ना। उनके कैसे पता चली कि बंद कमरे के बीच में पति पत्नी के साथ का होता का ना। वो थोड़ा झाक के थोड़ा अंदर दिखे, समझा ना। चीटिंग भेल और हम चीटिंग ना करब। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, बच्चन जैसन बात करत रहेली। बच्चन जैसन बात, अगर बच्ची होती ना तो इतना बड़ा अग्नि परीक्षा खातिर राजी ना होती। विहान, एमे हम तहार साथ चाहता नहीं, तहरे बिना हम पास कैसे होए। और हम दादी माँ के और सारा माँ के दोबारा ही तसल्ली दिला देनी कि हर तरह से हम अपन वचन निभाई। विहान तो के हमार बात मंजूर ना बा, समझ लू। तो सिर्फ हम कितना बतावा कि तू हमरा साथे बाड़ू या ना। विहान, यस और नो। नो इट्स ओके। तरह से कोनो उम्मीद रखल ना हमार बेवकूफी होगी। एकदम टिपिकल बीवी बन गई बाड़ू। हम टिपिकल बीवी, तू टिपिकल पति बन गई बाड़ा। एक ही चीज हो खेले दिमाग में। का हमरा दिमाग में? तहरे दिमाग में। अबे अगर काम नहीं कियो तो काम काहे करल बड़े बुड्ढे। और ऐसे कैसे कोनो बुड्ढा के काम पे रख ले बेली। बिना खासे तो चला लिखे जा रहा और खास खास के हमारे ऊपर कॉफी गिरा देला। आई एम सॉरी सर, आई एम अपोलाइज। तोरा पर तरस खा के हम तोरा पे काम पे रख ले। और तो हमारी बिजनेस बंद करा होता जाना। तो और बच्चे कमा के खेई है तो रखे, या फिर उसे भी घर से बाहर निकाल देना तो रखे। बता ना, बोलत कहे नहीं। एक्सक्यूज मी, आपकी जरा भी तमीज नहीं खे। बुजुर्ग के साथ कैसे पेश आवेगी? और आप हाथ उठावे के हक के देलस आपके। ए प्लीज, आप अपन काम करी और हमारा मुंह मत लगी। और वैसे भी सुबह सुबह ये बुढ़ा हमारा दिमाग खराब कर देलस। और ये बुढ़ा के तो और दुख लगावे के चाहिए। तोर दादाजी के उम्र के बाड़े, अगर दोबारा हाथ उठा लेना तो हाथ तोड़ के दूसरा हाथ में दे दे, समझ ले। विहान रहे दी, समझावल उहे के जाला जेकरा दिमाग में बात समझ में आवे। ना समझ के का बोल रहे बड़ा। और आप यहाँ के मैनेजर बानी ना, और आपके तो शायद दया के मतलब भी ना पता। इनकर उम्र ना पता आपके? शर्म आवे के चाहिए आपके इनके साथ।
अंकल, एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी अंकल, एक मिनट रुकिए प्लीज, एक्सक्यूज मी अंकल, अरे बात सुनिए ना, दादू दादाजी, दादू आप यहाँ काहे, ऐसन ऐसन का बात भेल दादू? कुछ ना बेटा, वो घर में ऐसे ही बैठल बैठल बोर होत रहनी था, यहाँ ही काम दिन भर ये बच्चन के साथ रह ला था, अच्छा लगेला, वक्त भी पता ना चलेला और जिसम में थोड़ा फुर्ति भी आ जाता। दादू हमरे तरफ देख के बात करी, कुछ छुपा रहे बानी आप हमसे? सच सच बताई, घर में कुछ बहेल बाना? पर जे भी बहेल बा, जे भी परेशानी बा, आप ओकरा खातिर इस तरह यहाँ पे काम करे की जरूरत ना बा? ना बेटा, तू खाम खा। दादाजी आरुषि बिल्कुल ठीक कहा तारी, आपकी उम्र ना बा काम करे के, जितना काम करे के रहे आप कर लेनी, अब आप आराम करी। हम मानत अनी दादू कि कौनो भी आदमी के खाली ना बैठे के चाहिए, जब तक शरीर साथ दे काम करे में कौनो हर्ज नहीं के। इहो भी मानत अनी कि कौनो भी काम छोटा या बड़ा ना होखत। दादू अगर आप अपन खुशी खातिर काम करत रहती तो हमके कौनो प्रॉब्लम नहीं के, पर पैसा कमाए खातिर ना, और इस तरह बेइज्जत होके तो बिल्कुल ना। बेटा तू ना दादू कुछ ना सुनो, अभी ये वक्त आप घर चलिए, हम आपके छोड़ देता नहीं। अच्छा बेटा तू परेशान मत होगा, हाँ हम चल जाए। आरुषि तू ऑफिस जा, देर हो जाए, हम दादाजी के घर पे ड्रॉप कर दे। हमरा के तू दोनों पर गर्व बा बेटा, भगवान चार गो नालायक बेटा के जगह एको तोहरा जैसन बेटी देते। बेटा तोहरा जैसन बेटा ही भगवान सबके देव है, हम बूढ़ा तोरा के कुछ और ना दे सकेला, खाली दुआएं दे सकेला बस, तोहार औलाद भी तोहरा जैसन ही होके। चली दादाजी, हम अभी भी तोहरा माफ ना कैले बानी। हैव अ गुड डे, ओके? सुना आरुषि, तू अपन प्रेजेंटेशन खत्म कर ले, हम लोग यहां देख ले। थैंक यू मासीमा, जा। प्रियंका दी, लाओ ये हो खेला, एक साथ दो को काम करे के अंजाम, लेकिन केहू तो सुने नहीं ना हमार। बुआ माँ आपके हाथ, लेकिन दी हाथ तो दिखावा, हटा जैसे दी सुना। आरुषि ठीक पढ़ ना तू बेटा, बेटा हाथ चलल तना ना, और लैपटॉप
लैपटॉप देख ला, मेल चल गए तोहर। पता ना ताई माँ, बस मेल भेजे ही वाला रहनी की लैपटॉप गिर गए और ये सब। हाँ तो बेटा ऑफिस में फोन करके पूछ ला की लैपटॉप गिर गए बा। जी ऑफिस में तो सबके यह लगे कि हम बहाना बना रहल बानी। रोजी फोन उठावा, रोजी पिकअप द फोन, शायद मीटिंग में पहुंच गए होगी। सर तो हमके माफ ना करे वाला। हे भगवान, आज ये सब कहा हो रहल बा, कुछ ठीक ना हो रहल बा, सब गड़बड़ हो रहल बा। पहले हवन में ही गलती भाई, फिर लैपटॉप गिर गए, बू अमा के हाथ और उहा पापा। प्लीज प्लीज सब ठीक कर दिया भगवान, ये कह सके लिए हम। काउवेल जात नहीं किया पापा, अगर सच में आपके पछतावा होत बाना तो ये सब घूम करे के बजाय कुछ काम करी। काम करे में कोनो शर्मिंदगी नहीं खे। आप काम शुरू करके तो देखी, अब तक हम जोन पैसा देने उसे घर के खर्च चल जाए और उकरा बाद अगला महीने से आपके सैलरी अवल शुरू हो जाए। सुन ले लो, पैसा कहां से आ रहा है? और तमाजी रहल बात काम करे के नौकरी करे के, तब हमार उम्र रहल ना, ताकत भी नहीं के बचल। अब अगर अब 50,000 रुपया मिल जाता तो हम कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर देते। प्रहलाद तोरा के शर्म देखे आवा तैसन कहत के? दादाजी लेकिन ही वादा पे कि आप सच्चा मेहनत और लगन से दुकान खोला बोर चलाई बा। बेटा विहान यह मौका बा आपके बेटी के नजर में उठ के देखे चाहता नहीं ता। बेटा बिल्कुल मत दिया करा के पैसा, तोरा का लागे लाई इन मेहनत और ईमानदारी से काम करी। बोली बिहान बेटा। दादाजी सबके मौका मिले के चाहिए, माना पाप तो ठीक बा। बिहान बेटा, बेटा हमार। दादी माँ हम सारा राशन चेक कर ले बानी, का बा का ना बा, कितना के जरूरत बा। सॉरी टू से पर हर महीना हमनी 8 से 10 हजार से ज्यादा राशन मंगवाई ले, जे ऐसे ही पड़ल पड़ल वेस्ट हो जाला। तो हम सोच ले बानी ई बार उहे मंगवाई जितना के जरूरत बा। देख लू माँ ऐसे ही पता चलेला फाइनेंस कंसल्टेंट भी देख लू ना, पहला महीना में ही 8,000 की बचत कर दे ले, या फिर ई समझ ला 8,000 के मुनाफा कर ले बड़ी। हाँ आरुषि, हमरा के महीना से प्रोटीन सप्लीमेंट मंगवावे के बा। कहा से मंगवावे के बा हम तरह के बता दे। हाँ हम भी ना एगो नया शैम्पू ट्राई करे वाला बानी, इम्पोर्टेड बा, कहा मिलेला हम बता दे, तू मंगवा ली। हा दी कंडीशनर, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, शैम्पू एंड कंडीशनर। आरुषि बहुत लगन और समझदारी से अपन काम कर रहल बाड़ू, वेरी गुड।
जी बेटा। थैंक यू दादी माँ। तारीफ तक कर देनी दादी माँ, लेकिन आरुषि दो दिन में 50,000 से ऊपर तो ऑलरेडी खर्च हो गई बा बिल्स वगैरह भरे में, और अभी तो महीना बस शुरू भइल बा। कहाँ भइल बेटा, कहाँ सोच रहल बाड़ू? कुछ ना चाची माँ, यही सोचत बानी कि खर्चा कहाँ और कैसे कम हो सकेला। आपके आइडिया भी ना बा घर में डीजल और पेट्रोल पे कितना खर्च होकेला। ई बारे में विहान से बात करे के होगी हमरा के। भाभी, दीदी, आप लोगन बाहर देखनी का? उ का कल जा लोग रखे का भैल पुष्पा, सब ठीक बा ना? आप लोग खुद चल के देखी ना, हम बाकी सब लोगन के बुला के लेके आवा तनी। हाँ, अरे चला चला, पागल हो गई भाभी, चला चला। अरे बा का बाहर देखल जाओ ना। हाँ, ये व्यू भी ना एडवांस में बोदे गिफ्ट लेके आयल हमार। हमरा का दे लेके आयल बा, तोरा थोड़ी ना व्हाइट कलर पसंद बा। दी, आपकी गाड़ी चलावे आवेला? ये हमरा खातिर बा, हमरा खातिर बा। अरे लाजी लागत बा, आप लोगन तो भूल गए बड़ू, छोट और क्यूट क्यूट गाड़ी केकरे पसंद बा? बतावा बतावा केकरे की पसंद बा? हमके पसंद बा, सबके पसंद बा। और वैसे आप नंबर पढ़ लेनी ना ध्यान से, सब नंबर जोड़ के हमार लक्की नंबर निकलेला। हाँ जी। अरे हमने सब बहस काहे करल बानी, कार्ड पड़ल बा ना गाड़ी पर, तो लिख ले होगी गिफ्ट केकरा खातिर बा। देखा, अब देखत बानी। ओके जी, हम देख लेत बानी। ठहरा, हमके पता बा ई केकरा खातिर बा। ई विहू भी ना, हमार इतना सभी तकलीफ ओकरा से देखल ना जाला। अब कल हमके एक दिन टैक्सी में जाए के का पड़ल? देखा, हमार खातिर नया गाड़ी ले आई। हम ओकरा से कहले रहनी कि छोटा सा प्रॉब्लम बा, ठीक करा ले, लेकिन ना ले आई गाड़ी। ओ ऐसन बात बा, तो ये आपके कार्ड? के और के नाम लिखल बा? लाला, तू लोगन बताओ अभी कार्ड में का लिखल बा? पढ़ल ना जात बा का? ला, आमी पढ़ लेत बानी। हाय, मैं कितना स्वीट लिखल बा। टू माय लवली वाइफ आरुषि विथ लॉट्स ऑफ लव, लविंग हस्बैंड विहान। तुहार बा बेटा, ले जा। विहान की गाड़ी खरीदी के का जरूरत रहे? हम तब ले ले बा। देखा कैसे नौटंकी करत रहेली। Here it is. हैप्पी बर्थडे नीलिमा। हरप्रीत, ओ सॉरी, हैप्पी बर्थडे दीदी। अरे हरप्रीत ना, मार डाला हमने के, कांग्रेचुलेशंस। भाभी थैंक यू। कम ऑन मासिमा, आपके फेवरेट केक। Thank you.
ये वक्त बिजली कैसे चल गई? सारथी फ्यूज चेक करा। लाइट आवे तक के वेट कर लेता। कांग्रेचुलेशंस नीलो। का भइल बेटा, तू तो इतना घबराई का है बाड़ू? आंके लागल ओ। अरे कहा मासी माँ, आप भी बच्चन की तरह अंधेरा से घबरा गई नहीं? अब चली स्पेशल सरप्राइज के बारे में आपके बताई ले रहनी ना। ओकर वक्त आ गई बा, अब चली। एक मिनट, ऐसे थोड़ो ना इतने स्पेशल सरप्राइज बताई। अरे बिहू कहा कर रहा है बड़ा? होल्ड ऑन। का ले ले होगी? चलिए हाथ पकड़ी हमारे, आप लोग भी सब आई आई आई। कमॉन मासी, कहा लेके जा रहा है बड़ा हमके? बी पेशेंस मासी माँ। हम बोलब तभी आप खोलब। ओके ओके। द वेट इज वर्थ इट। का हो रहल बा यहाँ पे? आप खोली? ना, अभी ना। 1, 2 and 3। सरप्राइज व्यू। कम ऑन मासीमा, यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस। आई लव इट, वी लव इट टू। कम ऑन बेटा, हो गए तभी। हाँ जैसा नीलिमा, तू बहुत लकी बाड़ू। फैमिली सेलिब्रेशन बा, चलो सेलिब्रेट करा। हम चलत बानी। नमस्ते। अच्छा अब हम भी चला था नहीं। नीलिमा दरवाजा खोला। नीलिमा दरवाजा खोला। नीलिमा
ऑटो गांधी मार्केट। माँ। हाँ माँ, आपके पास नीलिमा के कमरा की चाबी बा? हम कब से नॉक कर रहे बानी, दरवाजा खोलत नहीं की, कब से अंदर से बंद करके रख ले बाड़ी। लेकिन उनको कभी लॉक न करेले, पता ना खोलत नहीं की। बेटा बेटा हमार हमार ड्रॉल में होगी डुप्लीकेट चाबी, जल्दी लावा चाचा, जल्दी जावा। दरवाजा खोला नीलिमा। नीलिमा 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 नीलू कहाँ भाई? उठावा नीलू, नीलू उठावा हरप्रीत, उठावा। नीलिमा हाँ खोला, हरप्रीत बेटा, हरप्रीत पानी ला बेटा। अरे नीलिमा, नीलिमा नीलिमा आँखें खोल प्लीज, आँख खोल नीलिमा, आँख खोला नीलिमा, कहाँ भाई लिख रखी? क्यों डॉक्टर के फोन करा जल्दी? हाँ हाँ हम विहू के फोन करके आ बता नहीं। ये बॉटल इतनी नींद के गोली खेले पड़ी, हेलो डॉक्टर आप प्लीज जल्दी से घर पे आ जाएं, इट्स एन इमरजेंसी। थैंक यू यहाँ आए खातिर और हमरा के एगो मौका देवे खातिर। हेलो हेलो विहू, विहू बेटा हाँ? जल्दी से घर आ जा, नीलिमा के पता ना का हो गए, लो उठने की रहन, जल्दी से आ जा बेटा। व्हाट हम अभी आता नहीं, आप हमके यहाँ काहे बुलाई? का साबित करे चाहत बानी आप? ये कि 18 साल पहले कौन तरह से आप हमरा मासी माँ के दुख दिले रहले, धोखा दिले रहले? हम 45 साल के होके जा रहल बानी, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बानी हम। हम अब तक अगर जेल के सलाखन के पीछे जिंदा रहल बानी तो सिर्फ हमारे कि हम अपन अब तक के कैल एक अलंक के मिटा पाए, वो अंजाम तक हम सिर्फ नीलिमा के खुशियां दे के हिम पा पाए। लेकिन ये भी सच बा कि हम नीलिमा के साथ कोनो जोर जबरदस्ती ना कैल चाहता नहीं। अगर हमरा के उनके चेहरे पर खुशी नजर आवत तो शायद हम अपन उम्मीद के अधूरा छोड़ के वापस लौट जाती। लेकिन जब इतना साल बाद हम नीलिमा के चेहरा पर देखनी तो ओकरा आंखों में हमरा की कोनो खुशी नजर ना आए, और जब वो हमरा के देखलस तो हमरा के ओकरा आंख में गुस्सा नजर आए। लेकिन वो गुस्सा के पीछे वो याद भी नजर आए हमरा के, वो हमरा के अब तक भूलल नहीं थी। अगर भूल गई होती तो वो शायद हमरा के अनदेखा कर देती, हमरा के देख के भी अनजान हो जाती।
लेकिन इंसान कुछ ना भैल। लेकिन एक सच्चाई ई भी बा, जितना मासी माँ के हम जानी ले, जितना हम उनके देखले बनी, वो इतना दुखी कबो ना रहली, जितना आपके देख के भैल बनी। शायद आप उनसे दूर जाके ही उनके खुशी दे सकेले।